आपका प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा, जिसमें हर बार हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसे ही आज एक नया टॉपिक लेकर हम हाजिर हो चुके हैं, वो है हमारा लंग कैंसर, जिसके लिए आज हमारे साथ केजीएमसी के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट से डॉक्टर वेद प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी से आज लंग कैंसर पे सीधे बात करते हैं। डॉक्टर, आपका हमारे हेल्थ मंत्रा शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम लोग हर बार एक नए टॉपिक पे हमेशा हम लोग इस पे बात करते हैं, आज हम लंग कैंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपसे हेल्थ मंत्रा में लंग कैंसर के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से सभी कैंसर्स होते हैं और उसी प्रकार से लंग कैंसर भी लंग्स में मिलता है, और बेसिकली जो बॉडी है इसमें सेल्स से बनी हुई है, सेल एक यूनिट है बॉडी में, और ये सेल डेथ होती रहती है पीरियडिकली। तो डेथ होती है तो नए सेल डिवाइड होते हैं, तो जो ये डिवीजन है ये कंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है, कंट्रोल्ड एक प्रोसेस के साथ होता है जी। और ये कंट्रोल होता है जो जेनेटिक कोड से, जिसमें डीएनए, आरएनए, सेल साइकिल, ये सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं सेल डिवीजन के लिए। जब ये डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए जी, तो फिर क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो ज़्यादा संख्या में डेवलप होने लगती हैं, बनने लगती हैं जी। तो यही एक कैंसर की तरह से, गांठ की तरह से शरीर में हो जाती हैं, अन्य जगह पे भी फैल सकती हैं। ये जो सेल्स, जो कैंसर सेल्स हैं, ये कहीं पर भी शरीर में जा कर के मेटास्टेसाइज हो जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कि वहाँ पे ग्रो करने लगती हैं, डिवाइड होने लगती हैं अनकंट्रोल तरीके से। तो इसी प्रकार से लंग कैंसर भी इसी प्रकार का कैंसर है जी, जैसे अन्य कैंसर्स शरीर में होते हैं जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके कारणों के लिए बात करते हैं तो क्या कारण होता है लंग कैंसर क्रिएट होने का? देखिए, जिस तरह से आजकल इतना पॉल्यूशन आप देखेंगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ स्मोकिंग की भी हैबिट काफ़ी लोगों की है। टोबैको स्मोकिंग एक मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़े स्तर पे दुनिया में पाया जा रहा है, इसके लिए युवा पीढ़ी इसकी काफ़ी गिरफ्त में है। तो स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या फिर कुछ केमिकल्स के एक्सपोजर हैं, और या फिर कोई जैसे अगर माता पिता में कहीं है तो उससे कहीं ना कहीं एक जेनेटिक कनेक्शंस भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके कुछ लक्षणों की बात करते हैं तो किन लक्षणों से हम इस लंग कैंसर को टाइमली इनको पहचान सकते हैं, ताकि यह है कि टाइमली अगर हमें पता चल जाए तो हम टाइम समय रहते हम उनका समय पर इलाज करा सकें? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है श्वेता। जिस तरह से लंग कैंसर जो डेवलप होता है, इसमें डबलिंग टाइम वो लगभग जिसमें कि ट्यूमर दोगुना हो जाए साइज में, लगभग 5-6 महीने का होता है जी। तो जब ये गांठ जब तैयार होती है लंग्स के अंदर जी, तो आप समझिए कि कई वर्ष से वो प्रोसेस चल रहा होता है, कि छोटी से धीरे धीरे बड़े होना, और जब बड़ी हो जाती है, जब हमें दिखती है, तो उसके लगभग 6 माह में उससे भी डबल हो जाती है जी। तो काफ़ी पहले से ये प्रोसेस चलता है, लेकिन लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि उसमें जो गांठ है वो अपनी जगह आसानी से बना लेती है जी। तो जितने भी इफ़ेक्ट आते हैं, जिससे सिम्टम्स आए जी, वो देर में लेटर स्टेज पे ही आना शुरू होते हैं जी। इसलिए एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने होता है कि अर्ली स्टेज, जो बड़ी बात आपने कही कि अर्ली स्टेज में हम इस लंग कैंसर को किस प्रकार से पकड़ पाएं, क्योंकि जब सिम्टम्स ही जब आएंगे तब तक देर हो चुकी होती है जी। और सिम्टम की अगर बात करें तो जैसे खांसी अगर आ रही है, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे हेल्थ को लेकर के लोग कितने कॉन्शियस हैं। खांसी अगर आ रही है किसी को तो वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लोग जी। खांसी बढ़ती जाए जी, खांसी के साथ खून आ जाए जी, चेस्ट में दर्द हो सकता है, गहरी सांस लेने पर, हंसने पर ज़्यादा दर्द हो सकता है जी,
आवाज बदलना, जिससे कि हम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जिस तरह से बोलते हैं तो लोगों की आवाज भर्राने लगती है, आवाज बदल जाती है कुछ लोगों की, एक ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। और फिर जब आगे और एडवांस होता है, जिससे कि लंग कोलैप्स करने लगते हैं और लंग की जो ये एयरवेज हैं इन पे कंप्रेशन हो जाए या एयरवेज के अंदर मास जब डेवलप होता है, तो नीचे का जो लंग है जहाँ की सप्लाई होती है एयर की, वो रुक जाने से एक काफ़ी बड़ा हिस्सा फेफड़े का कोलैप्स हो जाता है नीचे, तो वो फिर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो फिर ये सांस फूलने की स्थिति आ सकती है। और इसके साथ साथ जैसे भूख ना लगना या वजन कम होना, इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिम्टम्स हैं वो भी इसमें आ सकते हैं अन्य कैंसर की तरह। जी अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे अभी जितने भी लक्षण आपने हमें बताए हैं, तो ये है कि आप डॉक्टर हैं, तो आप ये जो चीज़ बता रहे हैं कि ये जो वी सिम्टम आपने बताया है कि खांसी और उसमें खून आना और जो गांठ आपने बताई है, गांठ की कई और फॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन एक आम पर्सन कैसे जज करे कि ये कैंसर का ही है, कैंसर का ही पार्ट है और ये कैंसर के ही लक्षण हैं? देखिए, आम लोगों को इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं पता चल पाता है कि सामान्य कई बातों से मिलते जुलते लक्षण हैं। फेफड़े की कई बीमारियां हैं जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। एक अगर फ्लू को आप देख लें, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से उनमें भी खांसी आती है। टीबी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो टीबी के मरीजों में भी हमारे खून भी आ सकता है, खांसी भी आ सकती है, ये कई मिलते जुलते लक्षण हो सकते हैं। वजन कम होना टीबी का भी लक्षण है और कैंसर का भी लक्षण है। तो इस तरह से उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना एक रोगी के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अब लोग रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ करके हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और हमारे जो नागरिक हैं उनको मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कोई भी सिम्टम हो उसे इग्नोर ना करें। अब हेल्थ फैसिलिटीज़ देश में धीरे धीरे बढ़ रही हैं और स्ट्रेंथन हो रहे हैं, विभाग खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बड़ी संख्या में खुल रहे हैं, डॉक्टर्स की तादाद भी बढ़ रही है, तो अब इग्नोर ना करें अपने लक्षणों को। सब लोगों को इलाज मुहैया कराना एक प्राथमिकता सरकार की भी है, डॉक्टर्स की भी है, कि हम लोग सब लोगों को इलाज मुहैया करा सकें। तो उसके लिए चाहे फ्री इलाज करना हो, चाहे कई तरह की स्कीम हैं गरीबों के लिए, अलग स्कीम्स हैं, तो इसलिए अब उन्हें किसी भी सिम्टम को, जो सिम्टम बताए, चाहे खांसी आए, चाहे खून आ रहा हो, खून पे तो आ जाते हैं लोग लेकिन सामान्य खांसी को इग्नोर करते हैं, वजन कम हो रहा हो, भूख ना लग रही हो, बुखार हल्का रहता हो, तो ये सारे सिम्टम्स को हम लोगों को ये देखना चाहिए कि मैं कि लोग जागरूक हों और इसको समझें कि ये सिम्टम्स एक खतरे की घंटी हो सकते हैं और ये हमें एक ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कोई भी सिम्टम, एक सूखी खांसी आना भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। जी। तो इसलिए खांसी को भी इग्नोर ना करें। जी डॉक्टर, क्या कई लंग कैंसर के भी क्या कई फॉर्म होते हैं, कई तरीके के, कई टाइप्स, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं उनके अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो क्या लंग कैंसर के भी कई फॉर्म होते हैं? हाँ बिल्कुल श्वेता, कई तरह के लंग कैंसर होते हैं, जिनमें कुछ लंग कैंसर ये होते हैं कि डबलिंग टाइम बहुत फास्ट होता है, जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर है, ये बहुत तेजी से ग्रो करता है। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर है, तो ये दो मेजर डिवीजन पहले होते हैं, फिर जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर्स हैं इनमें भी कई तरह के होते हैं, जैसे स्क्वेमस सेल कैंसर है ये अलग होता है, एडिनो कार्सिनोमा अलग होता है, और भी कई तरह की वेराइटीज इसमें हैं, लेकिन मेजर अगर देखें तो ये दो फॉर्म, जिसमें एडिनो कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये नॉन स्मॉल सेल में ज़्यादा मिलते हैं। जी। तो ये एक स्पेक्ट्रम है लंग कैंसर्स का, जो कि ज़्यादा देखने में हम लोगों के बीच में मिलता है। जी। अच्छा, अगर हम इनमें से किसी के क्रिटिकल की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहता है? देखिए, क्रिटिकल की अगर हम बात करें तो लंग कैंसर दोनों ही प्रकार के खतरनाक हैं, लेकिन मैंने कहा कि जैसे स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये बहुत फास्ट ग्रोइंग कैंसर होता है और मेटास्टेसिस भी बहुत तेज होती है इसमें, तो अगर आपके लंग्स में मिला है जब आपने डायग्नोस किया
तभी साइमल्टेनियसली हम सीटी स्कैन सिर का भी कराते हैं जी। तो कई बार ये होता है कि यहाँ से जब लंग से कन्फर्म होता है तो उससे पहले स्प्रेड हुआ मिलता है, कहीं ना कहीं ब्रेन में भी कोई ना कोई गांठ मिल जाती है, अन्य जगह पे भी मिल जाती है, तो जो स्मॉल सेल लंग कैंसर है ये ज्यादा खतरनाक कैंसर है। अच्छा डॉक्टर, ये है कि क्या लंग कैंसर में पेन भी होता है? कि बहुत सारे ऐसा होते हैं जिसमें पेन नहीं होता, लेकिन लंग कैंसर में क्या पेन भी मरीजों को झेलना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, देखिए कैंसर डेथ्स जब होती हैं तो बहुत ही पेनफुल डेथ मानी जाती हैं जी। इसी प्रकार से लंग कैंसर भी ऐसा कैंसर है, हो सकता है कि जहाँ पे मरीजों को पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है, असहनीय दर्द भी हो सकता है जी। ये दर्द गहरी सांस लेने पे हो सकता है जी। खांसी करने पे हो सकता है, हंसने पर हो सकता है जी। तो ये क्या होता है कि प्लूरल इन्वॉल्वमेंट जब होने लगता है जी। लंग्स के आसपास एक झिल्ली होती है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं जी। जब प्लूरल इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो जो पेन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है जी। तो असहनीय पीड़ा ऐसे मरीजों को हो सकती है जी। अच्छा डॉक्टर, ये है कि लंग कैंसर में कितनी स्टेजेस अमूमन देखने के लिए मिलती हैं, कि कितनी स्टेज तक ये लंग कैंसर बढ़ता है? देखिए जो कैंसर की स्टेजिंग हम लोग करते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए करते हैं जी। कि हम लोगों का ट्रीटमेंट कौन सा किस स्टेज पे हम लोग एनफोर्स कर पाएंगे। जैसे 1 से 4 तक स्टेजिंग हम लोग करते हैं लंग कैंसर की, तो उसमें पहली और दूसरी जो स्टेज है वो अर्ली स्टेज है जी। उस समय अगर कैंसर पकड़ में आ जाता है तो हम लोग उसमें सर्जरी कर सकते हैं जी। और सर्जरी से पूरी तरह उसको क्योर किया जा सकता है जी। लेकिन जब तीसरी और चौथी स्टेज में कैंसर पहुंचता है तो फिर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं, या तो वो जहां से हम ऑपरेट करना चाहते हैं उस जगह पे कई वाइटल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है, वहां से उसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है, या कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाता है। जब एक जगह कहीं स्प्रेड हुआ है तो इसके मायने हैं कि अन्य जगह भी स्प्रेड हो सकता है कि हुआ हो, और वो धीरे धीरे लेटर स्टेज में वो गांठें बढ़ करके सामने आए। तो इसलिए फिर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो कीमोथेरेपी या कुछ मामलों में रेडियोथेरेपी, या फिर जो अब एडवांसमेंट हो रहा है तो टारगेटेड थेरेपीज भी आ रही हैं कुछ कैंसर्स के लिए जी। तो इस प्रकार की थेरेपीज हम लोग एनफोर्स करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम अर्ली स्टेज में पकड़ पाएं और उनको सर्जरी करा पाएं जी। जी अच्छा डॉक्टर, ये है कि जो भी आप स्टेजेस के लिए बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से आप वेरीफाई कर पाते हैं ये कौन सी स्टेज है? कैसे पता होता है कि ये फर्स्ट स्टेज है या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ? अब देखिए ये स्टेजिंग कई बातों में निर्भर करती है। एक तो ट्यूमर का जो साइज है गांठ का वो कैसा है जी। एक ही गांठ है या ज्यादा गांठें हैं ये है। दूसरा वो पेरिफरी में है, लंग्स की अगर संरचना देखें तो पेरिफरी की तरफ को है तो आसानी से ऑपरेट हो सकती हैं। वहीं अगर सेंट्रल की तरफ है तो बड़ी जो मेजर एयरवेज हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे जल्दी, तो उनको भी निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी गांठ को निकालते हैं तो उसके आसपास के लगभग 2 सेंटीमीटर तक का एरिया भी निकालते हैं जी। तो उस एरिया में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वाइटल स्ट्रक्चर्स आ रहे हों जी। इसलिए स्टेजिंग महत्वपूर्ण होती है। और मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेजेस हैं जी। ये ऑपरेबल स्टेज होती हैं जहाँ पे हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं जी। और कैंसर से पूरी तरह निजात मिल सकती है रोगी को जी। जी अच्छा डॉक्टर, अगर हम एकदम इनके लास्ट स्टेज की बात करते हैं तो लास्ट स्टेज में क्या रहता है, मतलब कैसी कंडीशन रहती है, क्या तब बिल्कुल ही क्या उनके बचने की उम्मीद नहीं रहती है, क्या रहता है लास्ट स्टेज में? देखिए लंग कैंसर्स बहुत ही खतरनाक किस्म के कैंसर्स हैं, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम लोग कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट, इस तरह का रेट कैंसर्स के लिए निकाला जाता है, तो इसमें बहुत ही कम, लगभग 20% आप मानिए कि 15 से 20% 22% तक जी। का एक सर्वाइवल रेट होता है 5 ईयर का, माने जो 5 साल जो सर्वाइव करेंगे कैंसर के मरीज लंग कैंसर के, वो 5 साल तक लगभग 20% मरीज ही 5 साल तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज ज़्यादा उनकी उम्र नहीं होती है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, इसी तरह के जो लाइफ है वो बढ़ पाती है कीमोथेरेपीज या जो हम लोग अन्य थेरेपीज देते हैं उससे जी, जी। पा रहे हैं तो जी, जी।
अच्छा डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि पेशेंट बड़ी लापरवाही कर जाते हैं, कि मतलब आपने जैसे लक्षण जो भी बताए समय पे नहीं दिखाते हैं, कि ऐसे ही नॉर्मल खांसी है और उस पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही हमारा वेट लॉस हो रहा है, हमने खाने पे ध्यान नहीं दिया। अगर टाइम रहते अगर हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो हमें और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो सकती हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है हमें? देखिए, एक तो मैंने बताया कि किस तरह से ये लंग कैंसर पकड़ में नहीं आता है, और जो सिम्टम है जी, जब गांठ बड़ी होने लगती है तब जाकर के सिम्टम्स लंग्स के अंदर आते हैं, क्योंकि लंग्स में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उसमें गांठ धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। जब वो गांठ आसपास के स्ट्रक्चर को या तो इन्वॉल्व कर लेती है अपने अंदर जी, या फिर दबाने लगती है जी, कंप्रेस करने लगती है जी, तब सिम्टम्स आते हैं जी। तो इसलिए ये जो रोगी हैं उनको स्वयं ही नहीं पता चल पाता है जी, वो जब एडवांस स्टेज हो जाती है तब उनको पता चल पाता है जी। तो ये लंग कैंसर में ऐसा बहुत होता है जी। तो इसलिए इसका एक आंसर है कि हम लोग पीरियोडिकली उनकी कुछ जांचें कराते रहें जी। जैसे एक एक्सरे है, बहुत आसान है, आसान जांच है। एक्सरे में कोई छोटी गांठ होगी कहीं पे तो पकड़ में आ सकती है जी। और कई बार आप देखेंगे कि जब ये हम लोग दूसरी बीमारी के लिए ऑपरेशन के लिए मरीज को लाते हैं जी, और उसमें एक्सरे कराना होता है जी, तो कई बार एक्सीडेंटल इस तरह की डायग्नोसिस भी होती हैं कि एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग, जैसे हम कहें कि करा तो दूसरी वजह से रहे थे एक्सरे, लेकिन उसमें गांठ निकल आई। तो ऐसे भी कई हैं जिनमें कि मरीज को कुछ भी सिम्टम नहीं है जी, जितने सिम्टम बताए कोई सा सिम्टम नहीं है, लेकिन गांठ वहाँ पर मौजूद है। सर, अभी हम लोग टेस्ट की बात कर रहे थे, जैसे आपने उसमें टेस्ट में एक एक्सरे का जिक्र किया कि आप उसमें एक्सरे कराते हैं, उसके अलावा भी कुछ और टेस्ट होते हैं जो जिससे हम डिफाइन कर पाए कि ये लंग कैंसर है? बिल्कुल, जिस तरह से बीमारी सामने आती है और हमें ऐसा या तो सिम्टम्स हों जो सिम्टम्स हम लोगों ने बताए हैं जी, या फिर कुछ ऐसे साइन होते हैं जैसे निमोनिया है और निमोनिया ठीक नहीं हो रहा है, लगातार बना हुआ है काफ़ी समय से, ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे मरीज उनमें पहले हम लोग एक्सरे करते हैं, इसके बाद जैसी आवश्यकता होती है तो सीटी स्कैन चेस्ट का करते हैं, जिसमें हम एक प्लेन सीटी स्कैन होता है, एक कंट्रास्ट होता है, तो कंट्रास्ट से एनहेंसमेंट करके हम लोग देखते हैं जी, कि कंट्रास्ट सीटी में क्या स्थिति है जी, जो गांठ है लंग कैंसर की जी, और जैसी आवश्यकता होती है फिर उसकी, क्योंकि बायोप्सी हमें करनी होती है जी, तो यदि सेंट्रल ट्यूमर्स हैं और ब्रोंकस के अंदर इन्वेड कर गए हैं या कंप्रेशंस हैं तो हम लोग जो बायोप्सी है उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक इसी टेस्ट में एक होती है लिक्विड बायोप्सी, तो वो क्या होती है और किस तरीके से काम करती है? देखिए, जैसे कहीं कैंसर डेवलप होता है शरीर में तो उसके कुछ हिस्से या सेल्स या उसके कुछ मीडिएटर्स उसमें से रिलीज होते हैं, कैंसर के प्रोडक्ट जिनको हम कहते हैं, वो सर्कुलेट होने लगते हैं ब्लड में। तो जैसे ब्लड की जांच करना बहुत आसान होता है जी, तो ब्लड का सैंपल लिया और अगर उसमें कोई कैंसर सेल मिल जाए या उसके कुछ प्रोडक्ट मिल जाए या उसके मार्कर्स मिल जाए तो उससे हम लोग सीधे पता लगा सकते हैं गांठ में पहुंचने से पहले, या फिर जो गांठ है क्योंकि एडवांस स्टेज में पकड़ में आती है जी, तो इनिशियल स्टेज में भी ऐसा हो सकता है कि इसमें से जो सेल्स या तो मिल जाए जी, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है जी, एक तरह से हम लोग कहते हैं कि कॉइन इन द बकेट उसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है जी, लेकिन एक संभावना होती है कि ऐसा मिले कि कैंसर सेल्स हमें मिल जाएं, तो लिक्विड बायोप्सी हम लोग कह सकते हैं जी, या फिर जो माइक्रो आरएनएज हैं जी, जो आरएनए डीएनए आरएनए होता है उसी में आरएनए का एक फ्रेगमेंट छोटा जी, क्योंकि फ्रेगमेंट टूट टूट के निकलने लगते हैं जी, वो ब्लड सर्कुलेशन में आसानी से आ जाते हैं, तो इस पर हम लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, हम लोगों का एक रिसर्च इस पर अभी पब्लिश भी हुआ है जी, कि किस तरह से ये जो माइक्रो आरएनए है इससे हम लोग पता लगा सकते हैं अर्ली स्टेज में जी, कि लंग कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है जी।
अच्छा डॉक्टर, ये भी कहा जाता है कि जैसे जो पेशेंट लंग कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं उनमें और कैंसर होने की जो संभावना है वो 10 गुना बढ़ जाती है। ये कहना तो मुश्किल है कि कितने गुना बढ़ सकता है, लेकिन हाँ, जो कैंसर्स, किसी भी प्रकार के कैंसर्स, लंग कैंसर के ट्रीटेड पेशेंट में भी हो सकते हैं, जैसे अन्य लोगों में कोई कैंसर डेवलप हो सकता है, ऐसे ही लंग कैंसर के जो पेशेंट हैं जिनमें सर्जरी हो चुकी है या ठीक हो चुके हैं उनमें दूसरे कैंसर भी हो सकते हैं जी। और संभावना ज़्यादा भी हो सकती है जी। कैंसर वाले मरीज में और कैंसर, अन्य तरह के कैंसर्स डेवलप होने की जी। ये संभावना हो सकती है जी। लेकिन 10 गुना होगा ये कहना मुश्किल है जी। जी। और अगर हम डॉक्टर इनके ट्रीटमेंट पे बात करते हैं तो किस तरीके के ट्रीटमेंट और क्या क्या ट्रीटमेंट इसमें रहते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर अर्ली स्टेज में अगर हम लंग कैंसर को पकड़ पाते हैं जी, या किसी भी कैंसर को पकड़ पाते हैं जी, तो उसमें अच्छा ये होता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है जी, वो पूरी तरह से हो सकता है, उस हिस्से की सर्जरी करके जो कैंसर का हिस्सा है उसे निकाला जा सकता है जी, और मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है जी। सर, आपने अभी कुछ थेरेपीज़ के नाम लिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड टारगेट थेरेपी, तो ये क्या है और किस तरीके से काम करती हैं? देखिए, कोई जैसे कीमोथेरेपी दी जाती है जी, तो कीमोथेरेपी होता है कि सेल का जो डिवीजन हो रहा है जी, उसे सप्रेस करने के लिए जी। तो जब हम कोई कीमोथेरेपी इस तरह की देते हैं तो कैंसर सेल को तो सप्रेस करता ही है जी, लेकिन अन्य सेल्स को भी सप्रेस कर देता है जी। उसका साइड इफेक्ट होता है, अगर देखेंगे आपके लोगों का बाल गिर जाते हैं जी, या कमजोरी आ जाती है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है जी। तो ये साइड इफेक्ट जो है लंग, ये कैंसर्स के होते हैं जी। जैसे ब्लड का है, ब्लड की सेल्स भी उससे मरती हैं जी। जो बोन मैरो है जहाँ से कि ब्लड बनता रहता है लगातार जी, उसका भी सप्रेशन देखने को मिलता है जी। तो कई प्रकार के जो सप्रेशन है कीमोथेरेपी से, कैंसर सेल को सप्रेस करने के साथ साथ अन्य सेल भी उसकी चपेट में आ जाते हैं और सप्रेशन हो जाता है जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम इनके पेशेंट, कैंसर पेशेंट्स के डाइट प्लान के लिए बात करते हैं तो किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए और किन चीज़ों से उनको परहेज करना चाहिए? देखिए, एक सामान्य जो डाइट प्लान होते हैं जी, हेल्दी जो लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, ताज़ा खाना है, और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर थाली में आपके 5 रंग मौजूद हैं, 5 रंग से ज़्यादा अगर रंग थाली में हैं जी, तो लगभग सारी बातों की पूर्ति हो जाती है जी। हम लोग कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, कितना फैट होगा या कितना प्रोटीन होगा, इसको बता पाना एक सामान्य मरीजों की समझा पाना उनको, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक सामान्य बात अगर हम करें जी, तो 5 रंग अगर थाली में आपके मौजूद हैं जी, तो लगभग लगभग सारी पूर्ति उसमें हो जाती है जी। जी, अगर सर हम पर्टिकुलर एक लंग्स की बात करते हैं, उनको मजबूत करने के लिए क्या कुछ स्पेशल, मतलब कुछ खाना उनको मजबूत करने के लिए कुछ हमें खाना चाहिए? ये तो हम कॉमन एक डाइट की बात की आपने, और एक सामान्य उस पर देखें तो जो इम्यूनिटी लेवल्स हैं जी, उनको बेहतर रखना होता है जी। लंग्स में जो इम्यूनिटीज हैं, जैसे इननेट इम्यूनिटी जिसको हम लोग कहते हैं कि जो जन्मजात इम्यूनिटी है जी, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बिल्कुल हेल्दी जो लाइफस्टाइल है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ताज़ा खाना खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, 5 रंग का ध्यान रखें कि अगर 5 रंग आपकी थाली में मौजूद हैं तो उससे ये जो इननेट इम्यूनिटी है, जो जन्मजात इम्यूनिटी है, ये मजबूत रहेगी जी। इसके साथ दूसरी इम्यूनिटी जिसको हम लोग कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी, जैसे आपने देखा कि जब शरीर बच्चा पैदा होता है तो जन्मजात इम्यूनिटी जो इननेट इम्यूनिटी है, इसके अतिरिक्त जब उस पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, केमिकल्स, इन सब का जो हमला होता है एनवायरनमेंट में जी, तो फिर ये शरीर उसको एडेप्ट करता है जी, कि उससे लड़ने के लिए उस क्षमता को विकसित करता है शरीर अपने अंदर, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जी। और कुछ पैसिव इम्यूनिटीज भी होती हैं, जैसे कि माँ का दूध है, जैसे पहला दूध है जी, तो वो बच्चे में जाता है जी, तो एक इम्यूनिटी ट्रांसफर है एक तरह से जी। अभी जैसे आपने देखा कि कोविड के दौरान प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के काफ़ी बातें हुई और दी भी गई, काफ़ी लोगों में उससे आराम भी हुआ है जी, लोगों को मदद मिली, तो वो भी एक उधार की इम्यूनिटी है, वो भी पैसिव इम्यूनिटी की तरह से है जी।
वो उतने ही समय तक काम करेगी जी। जितने समय तक के लिए एक उधार की जैसे हम कहें कि आपके दूसरे जो मरीज हैं जो ठीक होकर के आए हैं उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं उसकी संख्या ज़्यादा अच्छी है जी। तो वो दूसरे जो मरीज हैं उनमें दी जाती है, तो ये भी एक पैसिव इम्यूनिटी है। अच्छा डॉक्टर, ये है कि लंग कैंसर के जो ट्रीटमेंट के जोखिम पे अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितना क्या जोखिम रहता है? देखिए ट्रीटमेंट का जैसे मैंने आपको बताया, अगर अर्ली स्टेज में हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं या पेशेंट अर्ली स्टेज में नहीं आ रहा है जी, तो एडवांस स्टेज में आएगा। अर्ली स्टेज में आने का फायदा ये है कि उसकी सर्जरी करके निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरह ठीक हो सकता है जी, उसके चांसेस हैं कि जीवन भर के लिए ठीक हो जाए जी। लेकिन वहीं यदि वो देर में आ रहा है जी, तो फिर कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है जिसमें सिकाई होती है, टारगेट थेरेपीज हैं कीमोथेरेपीज में और भी जो एडवांसमेंट है, इसके एक साइड इफेक्ट है जी। तो तमाम तरह के जैसे बाल उड़ जाना, ब्लड के जो जैसे आरबीसीज हैं ब्लड में, वाइट सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन सेल की संख्या कम हो जाना जी, या बोन मैरो का सप्रेशन हो जाना जी, ये तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं ऐसे मरीजों में जी। अच्छा डॉक्टर, ये लंग कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद में किन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? देखिए जो लंग कैंसर के मरीज हैं वो इस बात को जानते हैं कि किस सिम्टम के साथ में वो आए हैं जी, और यदि उन्हें खांसी में खून आ रहा है, जैसे काफ़ी मरीज इससे ग्रसित होते हैं जी, तो वो खून कितना आ रहा है, ज़्यादा भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए जी। खून आने को उन्हें एक तरह से सामान्य नहीं लेना चाहिए जी। वो आए और अपने जो डॉक्टर हैं जिनसे वो एक्सपर्ट से जो इलाज करा रहे हैं जी, उनके पास जल्दी से जल्दी पहुँचें। और इसके अतिरिक्त जो दवाई से रिलेटेड सावधानियां हैं, जैसे कीमोथेरेपीज होती हैं तो ये बता दिया जाता है, उन्हें पता होता है कि उल्टियाँ या दस्त ऐसी समस्याएं भी जी, मरीज को आ सकती हैं, लगातार उल्टियां हो सकती हैं जी, तो उसके लिए जो दवाइयां प्रेस्क्राइब की गई हैं उनको लगातार लेते रहें जी। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं थेरेपीज के उनके बारे में भी मरीज को पूरी जानकारी दी जाती है जी, तो वो उनका अनुपालन करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, क्योंकि जो कीमोथेरेपी हैं ये भी साइकिल की तरह से चलती हैं। जैसे कीमोथेरेपी का एक साइकिल दिया जी, फिर लगभग 21 दिन के बाद कुछ कीमोथेरेपी में रिपीट करते हैं जी, तो लगभग 6 साइकिल हम लोग लगातार देते हैं जी, 21 दिन के अंतराल पे, तो मरीज को ये रोगी को पता रहता है, उसके तीमारदारों को भी पता रहता है जी, कि क्या क्या सावधानियाँ उन लोगों को रखनी है, साथ साथ बताया जाता है हर स्टेज के साथ जी। अच्छा डॉक्टर, एक लास्ट ये था कि लोगों में एक भ्रम फैला रहता है कि कैंसर पेशेंट को छूने से कैंसर फैलता है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे भ्रम बेबुनियाद हैं, इसकी कोई भी एविडेंस नहीं है जी, कि छूने से ये कोई छूत की बीमारी नहीं है जी। ये जरूर कहा मैंने कि ये जेनेटिक एक प्रीडिस्पोजिशन हो सकता है कि जिनमें माँ बाप को होता है तो बच्चों में होने के चांसेस बन सकते हैं जी, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, छूने से नहीं फैलती है जी, अन्य बीमारियों की तरह से छूत की बीमारी में नहीं है जी। डॉक्टर, आखिर में हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। प्राइम टीवी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी जागरूकता के कार्यक्रम हैं इनके मेरा यही मैसेज है कि किसी भी सिम्टम को आप नज़रअंदाज मत करिए। यदि खाली आपको खांसी भी आती है तो उसको भी आप नज़रअंदाज मत करें। वजन बिना कारण के, अगर वजन कम हो रहा है आपका लगातार, भूख नहीं लग रही है, कमजोरी आ रही है शरीर में, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए लगातार सजग बने रहिए और जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट डॉक्टर्स को आप दिखाइए। मैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इसका विभाग अध्यक्ष हूँ, और हम लोग तमाम जितने भी मरीज हैं, इस तरह के रोगी आ रहे हैं, उनकी लगातार सेवा कर रहे हैं। कैंसर की हमारी यूनिट है, बहुत सारे मरीजों का हम लोग इसमें मदद कर रहे हैं और कम से कम खर्चे में उनकी जो लाइफ है उसको बेटर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि नज़रअंदाज ना करें, अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से संपर्क करें।
आज के हेल्थ मंत्रा के शो में हमने बात की डॉक्टर वेद प्रकाश जी से, जिन्होंने हमें लंग कैंसर से संबंधित काफी अच्छी जानकारी दी है, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से हम उसका समय रहते पता करके समय से हम उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं और बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।